फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल पढ़ेंगे, विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि डीएनए की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, जैसे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन और डीएनए का हेरिडिटी में क्या रोल है, इसको भी ये मॉडल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो देखते हैं इस मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये बताता है ये मॉडल कि डीएनए जो है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं जो कि राइट हैंडेड हैं, ठीक है। ये दोनों राइट हैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स मिलके एक डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये डबल हेलिक्स देख रहे हैं आप, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में क्या हैं, ऐसे हेलिक्स का एक फॉर्मेशन कर रही हैं, एक कॉमन सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ। तो ये मान लीजिए, इमेजिन करिए, कॉमन सेंट्रल एक्सिस है, इसके चारों तरफ डीएनए क्या है, ये ऐसे फोल्डेड फॉर्म में है, है ना, हेलिकल फॉर्म में है। और ये दोनों चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, ये क्या कर रही हैं, एक डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। अब देखते हैं, ये बताइए, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं ये कैसे बनेंगी। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जुड़ने से बनती हैं, ठीक है। तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स क्या हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में इंटरलिंक्ड होने से बनी हैं। और फिर ये दोनों चेन आपस में ऐसे एक फोल्ड होके एक हेलिक्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। अब देखिए, ये दोनों जो स्ट्रैंड्स बोल सकते हैं इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को हम क्या बोलते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स। तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो आपस में क्या हैं, वो एंटी पैरेलल हैं, मतलब इनकी जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट है। तो एक क्या है, देखिए, 5' to 3' होगा और दूसरा क्या होगा, 3' to 5' होगा, वो आगे देखेंगे आप। तो अभी देखते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, राइट हैंडेड होंगे, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी डिफरेंट होगी, ठीक है, यही मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा ये देखिएगा, इन स्ट्रैंड्स पे ये इनवर्ट पोजीशन में ये क्या पाए जा रहे हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए ये इनवर्ट डायरेक्शन में पाए जाएंगे। और ये हेलिक्स के क्या होंगे, सेंट्रल एक्सिस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर हैं, देख रहे हैं आप, ये परपेंडिकुलर बेसिस होंगे, ठीक है। और अब ये आप डिस्टेंस जो देख रहे हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप जानते हैं डीएनए में ए टी जी सी, ठीक है, बेसिस पाए जाते हैं, जिनमें से ए है एडेनिन, टी है थायमिन, जी है ग्वानिन और सी होता है साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन जो होंगे वो प्यूरीन बेसिस होंगे, और साइटोसिन और थायमिन्स क्या होंगे, ये होंगे पिरिमिडीन बेसिस, ठीक है। अब ये देखिए, एक कंप्लीट टर्न में जो डीएनए है, एक कंप्लीट टर्न में ये कंप्लीट टर्न हुआ है, डीएनए का एक कंप्लीट टर्न, ठीक है। इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स, एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर्स होंगे। और जो एक कंप्लीट टर्न की जो ये डिस्टेंस है, ये क्या है, 34 एंगस्ट्रॉन्ग, एक कंप्लीट टर्न की डिस्टेंस क्या है, 34 एंगस्ट्रॉन्ग, और इसमें कितने बेस पेयर्स होंगे, 10 बेस पेयर्स, ठीक है। ये देखिए, ये मेजर ग्रूव है, ये माइनर ग्रूव है, जो बड़ा वाला है ये मेजर ग्रूव होगा, ये छोटा वाला है ये माइनर ग्रूव होगा। इसके अलावा आपको ये मैंने बताया, ये 34 एंगस्ट्रॉन्ग है, 10 बेस पेयर्स की जो डिस्टेंस है। अब इसमें देखिए, तो इसका मतलब इंटर न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस, मतलब ये दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस, तो अब ये हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग। जो इंटर न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस होगी, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो होगी 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग। एक चीज़ और देखेंगे, जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक रेगुलर मॉलिक्यूल होता है, और इसकी डायमीटर सब जगह जो होती है वो क्या होती है, 20 एंगस्ट्रॉन्ग इसकी डायमीटर होती है,
ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब ये देखिए कैसे जो केमिकल फॉर्मूला एक बोल सकते हैं डीएनए का कैसे है, ये इधर शुगर जो बैकबोन होती है डीएनए की, जो आप ये बैकबोन देख रहे थे ठीक है, वो किसकी बनी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट की। ये बैकबोन ये है, ये किसकी बनी होगी, शुगर एंड फॉस्फोफेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अल्टरनेटिव जो जुड़ के क्या करते हैं, डीएनए की बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अभी कैसे जुड़े होंगे, शुगर मॉलिक्यूल, शुगर जो होती है डीएनए में वो होती है 2' डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, 2' डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट, कि जो स्ट्रक्चर होगा शुगर का वो आप देखेंगे। पेंटोज शुगर जो होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और इसको बोलते हैं 2' डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो शुगर से बेस जुड़ेगा, ठीक है, बेसिस ATGC, ठीक। और इसके अलावा ये देख रहे हैं आप जो 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल हैं वो भी ऐसे यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, तो एक जो शुगर है उससे 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, इस तरीके से डीएनए की जो बैकबोन है उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए डीएनए के ये एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, इनकी ये एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन है, मींस ये देखिए पोलैरिटी डिफरेंट है, एक की 5' टू 3' और दूसरे की क्या है, इधर से ये 5', तो ये इधर 3', दोनों एंटी पैरेलल हैं आपस में। इसके अलावा ये देखिए जो मैंने बताया था बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए डीएनए बैकबोन के इनवर्ट पोजीशन में पाए जाते हैं। तो अब कैसे बाइंडिंग होती है इनके बीच में, जो ये देख रहे हैं आप डॉट, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ए टी से बाइंड करता है हमेशा, एडनिन किससे बाइंड करेगा, थायमिन से, ठीक है, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से। एडनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। जहाँ भी आप देखेंगे सी और जी है वहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जहाँ ए और टी है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अब ये पोलैरिटी जो मैंने आपको बताई थी कि जो डीएनए का जो ये एंड होता है इसको 5' और इसको 3' क्यों बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5' एंड पे एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा और 3' एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा। हाइड्रोक्सिल मीन्स OH और फॉस्फेट में PO4। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, ये इसके पोलैरिटी इसलिए होती है क्योंकि ये आप जो बॉन्ड देख रहे हैं, ये देखिए ये बॉन्ड होता है फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। तो ये जो बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन की वजह से ही जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उनकी पोलैरिटी जो होती है वो आपस में डिफरेंट होती है। तो ये है फ्री 3' एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5' एंड पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप पाया जा रहा है। तो अब ये देखिए ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये शुगर मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से आपने ओरिएंटेशन देख ली 2 डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स की या फिर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए क्या है। ठीक है।